सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 337। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालिए। और जिन लोगों ने मैं इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में सेकंड प्रिंस योमिंग के पास आता है, उसे ग्रीट करता है, और फिर योमिंग भी आराम से बैठा सेकंड प्रिंस से पूछता है कि हाँ योर हाइनेस, बताएं क्या हुआ। सेकंड प्रिंस कहता है कि ओह, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बात बस इतनी सी है कि ज़ू फेंग ने आपकी हेल वैली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डाला है। तो सेकंड प्रिंस के मुंह से ये वाली बात सुनकर के योमिंग अपने मुंह से जो भी पीरा होता है उसे उगल देता है, और फिर जल्दी से अपनी सीट के ऊपर से खड़े होकर के सबसे पहले वो अपने मुंह को पूछता है, और फिर सेकंड प्रिंस के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और आखिर इस बात की रिपोर्ट कहाँ है। तो मिंग की ये बात सुन सेकंड प्रिंस अपने पास से रिपोर्ट निकालते हुए उससे कहता है कि ओ वो यहाँ है। इसके बाद जब मिंग रिपोर्ट को पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा हिल जाता है और हैरान हो जाता है, और फिर वो ज़ू फेंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या, ज़ू फेंग ने वहाँ पे हर एक किसी को मार डाला है, यहाँ तक कि उसने हेल वैली के एंसेस्टर्स की बेइज्जती भी कर डाली है। ज़ू फेंग, क्या सच में तुम इतने ज्यादा क्रूर हो। तो रिपोर्ट में ये सब पढ़ने के बाद मिंग कहता है कि तुम कमीने रोटेड ज़ू फेंग, तुमने मुझे इतना ज्यादा फोर्स करके मजबूर कर दिया है। इधर दूसरी ओर सेकंड प्रिंस जब मिंग को इतने ज्यादा गुस्से में देखता है तो वो उससे पूछता है कि सर यू मिंग, क्या सब कुछ ठीक है। तो मिंग कहता है कि योर हाइनेस, मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं जिन्हें की मुझे अटेंड करना होगा, इसलिए मैं कुछ महीनों के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज जब मैं यहाँ पे नहीं हूँगा तो मेरी अनुपस्थिति में आप कोई भी जल्दबाजी में गड़बड़ी मत करना। इतना कहकर के मिंग सेकंड प्रिंस से विदाई लेते हुए वहाँ से चला जाता है। साथ ही वहाँ से जाते हुए गुस्से में अपने मन में कह रहा होता है कि अब इस टाइम पे मुझे रियली में अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनानी होगी। तो अब मिंग के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, और अगले सीन में हमें दो पहाड़ियों के बीच से हांगफू टियान्यू और बाकी के तीन बड़े हाउसेस के फोर्सेस को ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के ऊपर हमला करने के लिए जाते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे जब हेल वैली के लीडर को ज़ू फेंग की अपनी वैली के ऊपर कब्जा करने की रिपोर्ट मिलती है तो वो भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि ज़ू फेंग, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। तो हेल वैली लॉर्ड को इतने ज्यादा गुस्से में देख हांगफू टियान्यू उनसे पूछते हैं, वैली लॉर्ड क्या हुआ, आखिर आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? तो ये सुन वैली लॉर्ड अपना रोता हुआ मुंह लेकर के मास्टर हांगफू से कहते हैं कि स्टेट लॉर्ड, आप तो हाउसेस के लॉर्ड है ना, इसलिए आपको मेरी हेल वैली को जस्टिस दिलवाना होगा। मुझे अभी अभी थर्ड एल्डर के मुंह से पता चला है कि ज़ू फेंग ने ली जियांग टियांग के साथ हमारी हेल वैली के ऊपर हमला किया, और सभी डिसाइपल्स को मारने के बाद उसने हेल वैली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डाला है। हालांकि मेरे बाकी के तीनों वेंडरेबल्स ने ज़ू फेंग के खिलाफ फाइट बैक की, लेकिन मुझे डर है कि वो लोग ज़ू फेंग के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए होंगे, इसलिए प्लीज स्टेट लॉर्ड हांगफू, आपको जल्द से जल्द अपने आदमियों को भेज करके मेरी हेल वैली को असिस्ट कराना होगा। तो हेल वैली लॉर्ड की ये सारी बातें सुनने के बाद मास्टर हांगफू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो अभी तक ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के ऊपर हमला भी नहीं किया है, लेकिन हमसे पहले ही ज़ू फेंग ने हेल वैली के ऊपर अटैक कर दिया। सर लैंग, आखिर आप इस सब के बारे में क्या सोचते हो? तो मास्टर हांगफू की ये बात सुन सर लैंग भी कहते हैं, हेल वैली के साथ हमारी अलाइज है, और इसके अलावा वैली लॉर्ड हमारे एक क्लोज फ्रेंड है, तो ऑफ कोर्स हम हेल वैली की मदद करने के लिए आगे जरूर बढ़ेंगे। तो सर लैंग के मुंह से योमिंग वैली की मदद करने की बात सुन करके मास्टर हांगफू अपने मन में कहते हैं कि अब आखिर ये चतुर सर लैंग कब से इतना ज्यादा दयालु बन गया। इधर दूसरी ओर सर लैंग आगे कहते हैं कि जैसा हो सकता है वैसा ही होने दें, ज़ू फेंग के विश्वासघात की कोई सीमा नहीं होती, और बिना किसी प्लानिंग के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाना बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे कि हम ज़ू फेंग के हाथों की कठपुतलियां हैं, वो हमसे जैसा चाहे वैसा खेल सकता है, इसलिए अभी फिलहाल तो हमें उससे बचना होगा और इस बात को अवॉइड करना होगा। लेकिन वैली लॉर्ड, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम लोग जल्द ही आपके हाउस का बदला उससे जरूर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ड्राफ्टिंग फ्लावर सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए निकले हुए हैं, इसलिए सबसे
सबसे पहले फिलहाल हमें ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को हैंडल करना होगा। तो सरलैंग के इतना कहने के बाद मास्टर हंगफू भी कहते हैं कि हाँ, ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस जुफेंग के साथ मिले हुए हैं, इसलिए जब हम लोग उन्हें बुरी तरीके से हरा देंगे तो वैली लॉर्ड आपको भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मास्टर हंगफू की ये बात सुनकर गए वैली लॉर्ड की फीलिंग तो कुछ अलग ही होती है, लेकिन पीछे खड़े बाकी के दोनों हाउसेस के लीडर जोरों से हंस रहे होते हैं। ये सब देख हेल वैली के लॉर्ड मास्टर फेंग यूबाई के पास आते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि सर फेंग, आप तो जुफेंग को पकड़ने के लिए मेजेस्टी की ओर से रीइंफोर्समेंट्स के तौर पे आए हैं, तो अब आखिर आप यहाँ पे आराम से खड़े क्या कर रहे हैं? वो कमीना स्टीवर्ट जू पागलों की तरह मेरी हेल वैली को नष्ट करता हुआ भाग रहा है और आप यहाँ पे खड़े कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वैली लॉर्ड की बात सुन मास्टर फेंग यूबाई भी कहते हैं कि जुफेंग का दिमाग एक भूल भुलैया है और उसकी हरकतें काफी ज्यादा रहस्यमय है, इसलिए मुझे भी लगता है कि सरलिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें एक समय में एक ही कदम उठाना चाहिए। इसलिए फिलहाल हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाले हैं और फिर जैसे ही उसकी ये सारी प्लेसेस क्लीन हो जाएंगी तो वो ये सब देख करके काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाएगा और तब हम लोग उसके पीछे जाएंगे, फिर तब उसके पास छिपने के लिए कोई भी जगह बाकी नहीं रह जाएगी। इसलिए फिलहाल वैली लॉर्ड आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर सरलैंग भी इन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद अपने मन में कहते हैं कैनन फुदर हैं ये सभी लोग, अभी या बाद में देर सवेर जरूर मारे जाएंगे। दुनिया के लिए अधिपत अंतर जुफेंग और रीजन स्टेट के बीच आ जाएगा, जबकि बाकी के इन सभी लोगों का जाने का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सरलैंग के इतना सोचने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस सिटी को दिखाया जाता है और अपने क्लैन हाउस के अंदर ग्रैंड मदर अपनी सभी डिसाइपल्स और हल मास्टर्स से कह रही होती हैं कि बिल्कुल पहले के मैसेज की तरह ही ये ल्यू क्लैन की ओर से 10वां मैसेज है, जिसमें कि वो हमें एक ग्रेट डिजास्टर के बारे में चेतावनी दे रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द इस ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस सिटी को छोड़ करके ल्यू क्लैन में वापस जाना होगा। तो आप सब बताएं आखिर आप सब इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं। तो ग्रैंड मदर की ये बात सुनने के बाद स्टूडेंट काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं कि उस कमीने जुफेंग के लिए हमारी एडिफिस लॉर्ड ने काफी ज्यादा सेक्रीफाइस किया है और वो कमीना बस ये सब करके हमें रीपे कर रहा है, उसने हमारे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सीक्रेट ट्रेजर को चुरा लिया, तो आखिर उसके इन मैसेजों के ऊपर विश्वास कौन कर सकता है? इसलिए मुझे लगता है कि वो इस सब के बारे में बिल्कुल झूठ कह रहा है और ये सब उसकी उन खराब योजनाओं में से एक है। तो मास्टर डूडन के इतना कहने के बाद मास्टर किनकाई भी कहती है लेकिन फिर भी जुफेंग का वो इनसीडियस कपटी दिमाग हमें बाकी के लोगों के हर एक एक्शन से गार्ड करके रखता है, इसलिए उसकी सबसे बड़ी बात के ऊपर संदेह करने और बाद में उसके कारण सफरिंग सहने से अच्छा है कि हम लोगों को उसके इस मैसेज के ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हथियार उठाने से हमें जरा भी नुकसान नहीं होगा। मास्टर किनकाई की ये बात सुनने के बाद ग्रैंड मदर भी कहती है कि किसी भी स्थिति के लिए हमने ऑलरेडी डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया है, और रही बात अब इस क्रेडिबिलिटी की तो इसे अब देखा जाएगा। तो अब ग्रैंड मदर इतना कह ही पाती हैं कि तभी जल्दी से डेन घबराते हुए गेट खोल करके अंदर आती है और सभी लोगों से कहती है कि ओ गॉड, एनिमी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। ये सुन ग्रैंड मदर भी हैरान होते हुए कहती हैं कि डेन साफ साफ कहो तो आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। डेन कहती है कि बात ये है, ड्राफ्टिंग फ्लावर सिटी की गार्डिंग अरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है, सीनियर सिस्टर्स वहाँ पे बड़ी मुश्किलों से उस अरे को डिफेंड कर रही है, तो ग्रैंड मदर मास्टर अब आखिर हमें क्या करना चाहिए? तो डेन की ये बात सुनकर के बाकी की सभी लड़कियां भी काफी ज्यादा घबरा जाती हैं, कहती हैं कि ये क्या, हम लोगों के ऊपर तो सच में अटैक हो रहा है। ग्रैंड मदर, वो लोग तो अटैक करने के लिए सच में यहाँ आ गए। ग्रैंड मदर, अब आखिर हमें इस सब के बारे में क्या करना चाहिए? तो अब इधर अपने सभी डिसाइपल्स और हॉल मास्टर्स की ये सारी बातें सुनने के बाद ग्रैंड मदर पहले तो कुछ देर शांत होकर के इस सब के बारे में सोचने लगती है और फिर इसकी थोड़ी देर बाद ग्रैंड मदर अपनी एक डिसाइपल आयरिस से कहती है, आयरिस जाओ और तीनों वेंडरेबल्स से अंदर आने के लिए कहो और पियोनी तुम जल्दी से जाओ और जाकर के एक जेट स्लिप को हमारे एलाइज के पास मदद लाने के लिए भेज दो और बाकी के आप सभी लोग मेरे साथ दुश्मनों से मिलने के लिए चलो। तो चलो चल करके देखते हैं आखिर किस बास्टर्ड की हमारे ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के ऊपर हमला करने की हिम्मत हुई है। तो ग्रैंड मदर जोश में इतना कहने के बाद जल्दी से बाहर निकल करके देखती है, लेकिन जब वो बाहर निकल करके देखती है तो वो बाहर के नजारे को देख करके काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उनके
एक अकेले घर के सामने सिर्फ एक हाउस की पूरी फौज नहीं बल्कि बागी के तीनों बड़े हाउसेस और रीजन स्टेट हांगफू किंग टियान की पूरी फौज खड़ी होती है, जो कि लाखों की तादाद में ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के ऊपर अटैक करने के लिए आए होते हैं। जबकि दूसरी ओर तीनों हाउसेस के बड़े लीडर्स ग्रैंड मदर को इतना ज्यादा लाचार देख उनके ऊपर हंस रहे होते हैं कि दूसरी ओर फ्लावर एडिफिस की सभी लड़कियां उनके इतने ज्यादा बड़े बैकअप को देख काफी ज्यादा घबराई हुई होती हैं। तभी हेल वैली के लीडर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ग्रैंड मदर, हम तीनों लोग यहाँ पे तुम्हारी ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं, तो अच्छा रहेगा कि तुम खुद ही अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, इससे हम लोगों के बीच की ये बिना जरूरी दुश्मनी रुक जाएगी और तुम्हें इस बात की कोई भी हताशा नहीं होगी। तो गाइस, वैली लॉर्ड के इस बैडेस लुक के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। लेकिन यार, वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि यार इससे आपका तो नहीं लेकिन मेरा शायद कुछ भला हो जाए। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और बाकी ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। शुक्रिया।